कैश में वो जो कि मैंने आपको दिया है इस तरह का कैश हो, अब सेम टू सेम देखिए, हाँ कुछ इस तरह का कैश में वो होना चाहिए, मैंने बताया था। देखिए जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट की सबसे पहले देखी जाती है कि इन्फॉर्मेटिंग क्या है, कैसा डिजाइन फॉर्मेट लुक कैसा है। आप यह देखिए ना कि आप अगर आपको मैं बोलूं कि न्यू में जाके कुछ रिपोर्ट राइज कीजिए, बने बनाए रिपोर्ट्स को, राइट, तो आप सबसे पहले जो रिपोर्ट अच्छा दिखेगा उसी को आप क्लिक करके डाउनलोड करें, तो विजुलाइजेशन भी अच्छी होती है। तो आपको इस तरह का छोटा सा कैश में बनाने की बता रहा था बट आप नहीं बना पाए इसी कारण से। चलिए बताता हूँ, जब भी कोई रिपोर्ट फॉर्मेट बनाया तो सबसे पहले उस ये जो लाइनिंग है इसको हटाने के लिए आप जाइएगा पेज लेआउट में और यहां से देखिए ग्रिड लाइन आपको दिख रहा है। इस ग्रिड लाइन के अंदर यहाँ व्यू है, इसको अनक्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूरा सीट हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट किया उतना व्हाइट करना है तो इसकी बैकग्राउंड कलर व्हाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पूरी सीट को व्हाइट करने के लिए आपको पेज लेआउट पे इसके क्लिक करना। अब यहाँ है कैश मेमो हेडिंग, जब भी कोई फॉर्मेटिंग शुरू करे तो ध्यान रखे आप एक रो और एक कॉलम छोड़ के करें। अब कैश मेमो के लिए थोड़ा सा एरिया चाहिए तो मैंने एरिया को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया, क्या कर दिया, यहां से मर्ज मर्ज दिख रहा है, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, लिखूंगा कैश मेमो, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब इसको बोल्ड करता हूं, साइज को थोड़ा सा बढ़ाता हूं यहां से, ठीक है। अब यहां सीरियल नंबर देता हूं, तो अब मैं यहां से अंडरस्कोर इस तरह से लगा सकता हूं, लेकिन कब, जब प्रिंट आउट लेना हो। अगर मान लीजिए मुझे पूछा किस तरह, मैं वही बता रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए आपको अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, सिलेनिया लगाया, लेकिन कब, जब प्रिंट आउट लेनी हो, लेकिन जब मुझे टाइप करना हो तब नहीं, क्योंकि तो टाइप करने के लिए डबल क्लिक करके टाइप करना पड़ेगा, टाइप कीजिएगा उतना एरिया का अंडर लाइन हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने सीरियल नंबर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, दो तीन लाइन जो भी सिलेक्ट करना है, दो लाइन काफी है, और ऊपर बॉर्डर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक बॉर्डर, इस बॉर्डर में यहाँ पे बॉटम दिखेगा, बॉटम बॉर्डर, इस बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। फिर इसके आगे डेट है हमारा, डेट, और डेट में भी सेम हमें अंडरलाइन देना है। फिर यहां पे M/S और यहां भी थोड़ा सा बड़ा अंडरलाइन लेते हैं, क्योंकि नाम यहां पे नहीं है, छोटा है, लेकिन नाम बड़ा होता है ना सर, बड़ा कर दो, इससे बेटर बनाना है ना मुझे। अब यहां पे लिखता हूं क्वांटिटी, Q2I क्वांटिटी, और यहां थोड़ा सा बड़ा करता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए, तो मैं मर्ज कर दिया, थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए मर्ज कर दिया मैंने, नहीं तो क्या होगा, तीन कॉलम हो जाएगा, फिर दिक्कत, यहां दिक्कत हो जाएगी ना आपको, समझे कि नहीं। अगर मैं इसमें एक में लिख देता तो ये चीजें यहां आ जाती, फिर ऊपर कैश में मुझे सबको रेट चेंज करना पड़ जाएगा ना आपको, क्योंकि मुझे इतना एरिया लेके चलना है ना, समझे कि नहीं। अब मैं इतना एरिया को लेता हूं और इस पे ऑल बॉर्डर लगाता हूं, लेकिन पार्टिकुलर्स का तो एक ही होना चाहिए, तो मैं एक एक करके मर्ज करूंगा तो टाइम काफी लग जाएगा, तो मैं एक एक करके मर्ज ना करके इसको सिलेक्ट करता हूं,
और यहां ऊपर में यहां देखिए मर्ज क्रॉस होता है। मर्ज क्रॉस क्या करता है, सिर्फ कॉलम को मर्ज करता है, रो को नहीं। ठीक है, समझे? अब मैं ऊपर वाला एरिया को थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, इसको राइट क्लिक किया, चले गए फॉर्मेट सेल में, और यहां पे बॉर्डर पे आया, ये आपकी जो डबल लाइन वाली बॉर्डर है ये ले लेता हूं नीचे ऊपर, यहां नीचे भी चाहिए मुझे सेम, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल बॉर्डर, और ये डबल लाइन ऊपर और नीचे, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके हम मिडल कर देते हैं, अमाउंट की कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा कर। अब यहां देख सकते हैं कि ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, आपको दिक्कत है, रेट को थोड़ा बढ़ा कर दिया। अब चाहो तो डेट का ये जो एरिया है ना, अब मुझे एक बॉर्डर हटाना है, कुछ मत कीजिए, इसको ड्रैग कर दीजिए, हट गया, और थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए यहां से, ठीक क्या है, हो गया। होता अब यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं, टोटल को लेफ्ट साइड कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा साइज बढ़ा करके, और बोल्ड यहां से बोल्ड कर दिया, और ये जो एरिया है इसको मर्ज किया, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि गुड्स 1 सोल्ड आर नॉट रिटर्नेबल, या जो भी मैसेज है आप देख सकते हैं, और इसको फिर बोल्ड कर दीजिए, और बड़ा करना है बड़ा कर दीजिए, और लेफ्ट साइड कर दीजिए, हो गया। अब ये यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि हाँ, ये पूरा एरिया आपका दिख रहा है, इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन था कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी 1 दिया, रेट 500 का दिया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना, ये जो चीजें कैलकुलेशन जो बताया था वो कैलकुलेशन आपको करना था, यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करना, इक्वल सम, और इसको सिलेक्ट करना, ठीक है, समझे? तो बेसिक फॉर्मेट था, इस तरह के और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग आप तैयार कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है तो न्यू पे चले जाइए, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स बने बनाए मिलेंगे जो बना सकते हैं, जैसे देखिए मेडिकल स्टोर यहाँ पे स्टार्टअप है आपका, तो मैं बात कर रहा था फॉर्मेट, ठीक है, कितना अच्छा फॉर्मेट बनाया हुआ, ठीक है, तो करने का मतलब कि जितना अच्छा फॉर्मेट तैयार करेंगे इतना अच्छा, ठीक है, क्योंकि तो जो फॉर्म ये थोड़ा देर पहले मैंने बनाया, थोड़ी देर पहले, अभी देख रहे हैं आप, अब इसके अंदर फॉर्मूले लगे हैं, तो फॉर्मूला तो अपना पार्ट टू है ना, ये जो फॉर्मूले आप यहाँ देख रहे हैं लगे है ना, ये फॉर्मूले पार्ट टू है, इस फॉर्मूला को लगाने से पहले पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा ना, मैं समझे कि नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना होगा ना, क्योंकि तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर तैयार करके थोड़ी देगा, और कोई देखने वाला आपका फॉर्मूला तो बाद में देखेगा, पहले तो देखेगा आपका पूरा डिजाइन, क्या तो बनाने की, अब ये जो रिपोर्ट है ये बनाने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है, बनेगा कि नहीं आपसे, नहीं कैश में मोबाइल तो मैंने बना के दिखा दिया, तो ट्राई करना ही करना है, तो ये तो छोटी सी चीज है, ये तो समझिए कि नर्सरी और यूकेजी के बच्चों का है, ऑफिस में आपको इस तरह का थोड़ी बनाना होगा, ऑफिस में बनाना होगा कुछ इस तरह का फॉर्मेट्स, क्या
तो आपको इस तरह के फॉर्मेट पे ट्रेंड होना है ना। ये देखा आपको एक कैलेंडर की फॉर्मेट देखिए, दिख रहा है फॉर्मेट, इस तरह के फॉर्मेट तैयार करने हैं ना आपको। तो मैंने तो कैश मेमो दिया था ये देखने के लिए कि आपकी लेवल क्या है, नर्सरी की है या क्लास 10th की है, समझे कि नहीं। तो क्या ये बना पाइएगा आप? जी हाँ, ट्राई कीजिए। और एक काम करता हूं, मैं सुबह सुबह ही इसको बनाया है, उसकी रिकॉर्डिंग में दे दूं आपको एज ए रेफरेंस।